एक सर्कमस्टेंशियल ट्रेड है, 500 की कॉल इफ निफ्टी फ्यूचर्स जैन के करंट मंथ के, वो अगर 500 के ऊपर ट्रेवल करेंगे तो एक कॉल लेंगे। याद रखिएगा, आज इसने एक बहुत स्ट्रांग बिहेवियर दिखाया है, कल इसने अपना 50 डे मा रीगेन किया था, अब बहुत क्लोज है जो शुभदीप ने लेवल दिया है ना 500 का, वो एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मीडियन एवरेज है। तो स्ट्रेंथ को रीगेन कर ले तो 500 की कॉल पे फरवरी की फोकस करेंगे। अब एक काम करते हैं, बात करते हैं और मेहमानों से। इस वक्त अमित सेठ भी हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त लॉन्ग साइड पे? गुड आफ्टरनून शैल सर, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है। वैसे तो मन बैंकिंग स्टॉक्स में जाने का था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी अभी रहेगी सेकेंड हाफ में, तो इसीलिए बैंकिंग स्टॉक्स अवॉइड कर रहा हूँ। तो मेरी नजर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे। आईओसी में अगर आप देखेंगे, आईओसी एक अपने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन पे है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे आईओसी ने सपोर्ट लिया है। आरएसआई में भी देखें तो एक बुलिश डाइवर्जेंस है और स्टॉक में अच्छा अपटेक हम देख रहे हैं, तो आईओसी को मैं लेना चाहूंगा। प्राइस है 123 का, स्टॉप लॉस रखूंगा 120 का और मेरा टारगेट रहेगा 129 का। आईओसी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका 129 का लक्ष्य रहेगा और आपकी स्क्रीन पे स्टॉक डिहाइड्रेट कर रहा है। शैल जी, आज इनफैक्ट आप और मैं जब सुबह से बात कर रहे हैं, मंगलवार की सुबह से जी बैंक निफ्टी अगर आप देखें, स्टॉक अगर आप कुछ भी करें इंडेक्स पे, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। केनरा बैंक के नंबर्स देखे आपने शैल जी? वीरेन जी, उस पर जरा डेटा हमारे सामने स्क्रीन पर आएगा। आज बाजार बहुत सलामी ठोकता हुआ कई नतीजों को, और उनमें से एक कैनरा बैंक जो आपको सुबह आते हुए दिखे। मुनाफा देखिए, 700 करोड़ से ये बढ़ता हुआ आपको दिखा है 1500 करोड़ की तरफ, यानी कि लगभग समझिए 100% से ज्यादा का इजाफा। नेट इंटरेस्ट इनकम आपको 14% की वृद्धि के साथ 6945 की तरफ आती हुई दिखी है, और खासा आपने कट आते हुए देखा है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में। ये आपके सामने आंकड़े हैं। और वीरेन जी, ये जो हम वॉल्यूम देख रहे हैं कैनरा बैंक पर, फिलहाल मेरे ख्याल से 5 दिन का जो एवरेज है उससे कई गुना ज़्यादा है। ये आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करता हूँ, तब तक मेरे ख्याल से हमारे साथ प्रकाश गाबा साहब जुड़े हुए हैं, आप उनको कैनरा बैंक का चार्ट प्रस्तुत कीजिए। जी, कैनरा बैंक लिखा है, याद रखिएगा हर कसौटी में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर थे ये, और कैनरा बैंक का चार्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा। और एक और चीज़ प्रकाश सर, थोड़ा सा अपना जो तजुर्बा है उसको शेयर कीजिएगा। सर, ये एक और चीज़ हो रही है, जैसा कि हमने मारुति के केस में देखा था, हालांकि ये डिफरेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ ऑल टुगेदर, लेकिन जैसा कि हमने मारुति में देखा था सितंबर 2018 से लेकर अब तक का पूरा प्राइस जोन कट गया, कैनरा बैंक में भी ठीक वही हो रहा है। 5 सितंबर 2019 शैल जी, वहां से लेके अब तक की पूरी रेंज कटती हुई। प्रकाश सर, आपका टेक? बहुत बढ़िया चार्ट है कैनरा बैंक का। ये 1 बजे के शो पे मैंने रेकमेंड किया था, उस समय करीब 227-228 पे चल रहा था, बहुत बढ़िया चार्ट है। उसका टारगेट था 240, वो लगभग अचीव हुआ। लेकिन जैसे कि आपने बताया, मारुति का जो चार्ट था वैसा ही चार्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल बेहतरीन ब्रेकआउट मिला है 235 जोन्स पर ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। इसका मतलब तो ये है कि जो रिसेंट हाई हमने देखा है कैनरा बैंक का, वो करीब करीब मेरे ख्याल से 245 का है, वो पार कर लेगा और फिर आते दिनों में 250 का जोन भी देखेंगे कैनरा बैंक में। बार तो बहुत स्ट्रांग है, और कहते हैं ना एवरी बार टेल्स अ स्टोरी, ये भी एक स्टोरी बता रहा है। अब मूव ऑन जी, हम लोग देख रहे हैं कैनरा बैंक उन सारे काउंटर्स के साथ जुड़ता हुआ। देखिए फिलहाल ये टॉप गेनर है निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, और यहाँ पर आपने गाबा साहब की एक लॉन्ग कॉल आती हुई देखी है, 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम है 5 दिन के एवरेज से, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। सारे के सारे पीएसयू बैंकिंग ईटीएफ्स दिन के ऊपरी सतह पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल कैनरा बैंक के साथ साथ एसबीआई भी दिन के उच्चतम लेवल पर 530। यहाँ पर जोड़ते हैं सबसे बढ़िया मोमेंटम चेजर को जो हम जानते हैं, और वो है एसएचजी।